Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th October 2021. Please note, you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website SPMISAcademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about pegasus पैनल एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे पहले समझते हैं पेगासस है क्या इट्स ए स्पाईवेयर स्पाईवेयर मतलब हमारे जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर उसमें ये चोरी छुपे घुस जाएगा एज ए स्पाई और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है दिस स्पाई वेयर हैज़ बिन डेवलप्ड बाई एन इसराइली सर्वेलेंस कंपनी एन एस ओ ग्रुप जैसा कि मैंने बताया स्पाई वेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर Designed to enter into your computer device or even your mobile phone and gather data and forward it to a third party without your consent. ये जो पेगैसा स्पाईवेयर है इट इज़ वेरी डेडली यू में से ये डाटा जो है हमारे बिना किसी गलती के भी चुरा सकता है इस तरह के स्पाईवेयर को हम कहते हैं जीरो क्लिक अटैक स्पाईवेयर जीरो क्लिक अटैक स्पाईवेयर में कैसा है कि हम बिना कुछ गलती किए भी हमारे सिस्टम के अंदर घुस सकता है नॉर्मली कैसा होता है कि हमारे सामने कोई लिंक आएगा कोई सस्पिशियस लिंक उस लिंक को हम गलती से क्लिक कर दें तो कुछ ना कुछ अब हम गलती करेंगे तो ही हमारा सॉफ्टवेयर हमारा फ़ोन या हमारा कंप्यूटर हैक होगा बट ये जो सॉफ्टवेयर है पिगैस सॉफ्टवेयर पिगैस स्पाइवेयर ये जीरो क्लिक अटैक करता है बिना हमारे गलती किए हुए भी बिना कुछ भी किए हुए हमारे सिस्टम में एंटर कर सकता है और वहां से वो डाटा चुरा सकता है करंट न्यूज से रिलेटेड ये है कि सत्रह दुनिया की सत्रह मेजर ग्लोबल मीडिया हाउसेस यानी कि बड़े बड़े जो मीडिया एजेंसीज हैं उन्होंने मिल करके एक खुलासा किया है कि दुनिया के लगभग पचास हजार इन्फ्लुंशियल लोगों के फोन से डाटा चुराया गया है बाय यूजिंग दिस पेगा स्पाईवेयर तो ये खुलासा लगभग दो महीने पहले किया गया था ये दुनिया के सत्रह मेजर मीडिया कंपनियां साथ में आकर के फिर उन्होंने ये खुलासा किया उन्होंने ये डेटा कहीं से निकाला है ये रिपोर्ट कहीं से लाया है इसमें पचास हज़ार फोन से डाटा चुराने की बात की गई है उन पचास हज़ार में से कम से कम तीन सौ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के बिलोंग करते हैं और इंडिया के काफ़ी इन्फ्लुन्शियल लोग हैं जैसे सर्विंग यूनियन मिनिस्टर्स ऑपोजिशन लीडर्स या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को होल्ड करने वाले लोग हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं इनफैक्ट यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट अ मैक्रोन इमैनुअल मैक्रोन का भी फोन जो है हैक होने की बात की गई है विथ हेल्प ऑफ दिस पेगैसस स्पाईवेयर तो इंडिया के अंदर भी पेगास स्नूपिंग के केसेस निकल के आए हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मैनी इंडियन फ्रॉम डिफरेंट स्पेक्ट्रम जैसा कि मैंने आपको बताया जर्नलिस्ट यूनियन मिनिस्टर्स प्राइवेट सिटीजन्स अपोजिशन लीडर्स मीडिया पर्सनैलिटी दे हैव बिन टारगेटेड विथ हेल्प ऑफ दिस सर्विलेंस टूल पेगासस और ये हमें पता कैसे चला वो भी जरा समझते हैं तो जो भी जैसे भी जो भी टारगेटेड लोग थे उनके फ़ोन की फॉरेंसिक एनालिसिस करके ये बात पता चली है जैसे इन मीडिया हाउसेज ने नाम दिए कि राहुल गांधी या इलेक्शन या एनालिस्ट प्रशांत किशोर इन लोगों का फ़ोन हैक हुआ है विथ हेल्प ऑफ पिगैसा सॉफ्टवेयर तब तक इन लोगों को भी पता नहीं था जब इनके फ़ोन की फॉरेंसिक एनालिसिस की गई तो पता चला कि यस द इंफॉर्मेशन वॉज करेक्ट Their phone was targeted with help of this Pegasus spyware. तो so, बहुत सारे लोग हैं जिससे राहुल गांधी अश्विनी वैष्णव जो अभी मौजूदा यूनियन आई टी मिनिस्टर हैं लेकिन माना जा रहा है कि इनके ये मिनिस्टर हाल फिलहाल में दो महीने पहले बने हैं उसके पहले से इनका फ़ोन इस स्पाईवेयर की मदद से टारगेट किया जा रहा था फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रशोक लवासा साहब कई सारे लोग हैं अब इससे मैटर ऑफ कंसर्न क्या है क्यों ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि ये जो इसराइल की कंपनी है एन जो ये पिगैसस स्पाईवेयर बनाती है इसने साफ साफ कहा है कि ये अपना पिगास सॉफ्टवेयर किसी को भी इस्तेमाल करने नहीं देती है एक्सेप्ट फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स तो अलग अलग देशों की सरकार अगर इस इजरायली इस फर्म एन से मांगती है पिगासस सॉफ्टवेयर तभी ये पिगास सॉफ्टवेयर उनको इस्तेमाल करने देती है फॉर द पर्पज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हम किसी और को देते नहीं हैं नॉन गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को हम लोग देते नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये पिगासा सॉफ्टवेयर हमारे देश के इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं शायद से भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल किया अगेंस्ट पीपल ऑफ़ इंडिया इट अब ज़रा समझते हैं कि क्या भारत सरकार सच में इस तरह का सर्विलेंस कर सकती है क्या ये कानूनी है तो यू शुड नो कि सेक्शन फाइव ऑफ टेलीग्राफ एक्ट ऑफ एंड सेक्शन 69 ऑफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अलाउड सर्वेलेंस भारत सरकार सर्वेलेंस कर सकती है लोगों के फ़ोन टैप कर सकती है इन लैपटॉप uh, से डाटा निकाल सकती है इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी तो नेशनल सिक्योरिटी का अगर मुद्दा हो तभी जा के इन दोनों एक्ट का इस्तेमाल करके हमारे फ़ोन को टैप किया जा सकता है या हमारे सिस्टम से डाटा निकाला जा सकता है लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का मामला होना चाहिए और प्रायर अप्रूवल हो लिया जाना चाहिए कोर्ट से या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से तभी जा कर के किसी के सिस्टम को हैक किया जा सकता है या टैप किया जा सकता है क्लियरली इस केस में जैसे राहुल गांधी का फ़ोन हैक हुआ है, है मान लीजिए या प्रशांत किशोर का फ़ोन हैक हुआ है इस केस में नेशनल सिक्योरिटी जैसे तो कोई बात दिख नहीं रही है एंड क्लियरली किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से वो परमिशन भी नहीं लिया गया है तो देयर हैज़ बिन सम वायलेशन ऑफ नॉर्म्स लेकिन सरकार कह रही है जैसे यूनियन मिनिस्टर यूनियन आई मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब खुद कह रहे हैं इनका भी फ़ोन हैक हुआ था जबकि खुद कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ इलीगल सर्विलेंस ऑफ द इंडियन सिटीजन तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं किया है और इसराइल की फर्म एनएसओ कह रही है कि हम सिर्फ सरकारों को देते हैं तो इसका क्या मतलब निकल के आता है लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर आई ये आईटी मिनिस्टर का फ़ोन क्यों हैक हुआ तो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार इनको मिनिस्टर बनाने से पहले इनका बैकग्राउंड चेक करना चाहती हो इसलिए इनका फ़ोन हैक करके देख रही हो कि इनके किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं अब जो भी कारण हो लेकिन इन्होंने कहा आई मिनिस्टर ने कि भाई सरकार ने नहीं किया है और एन फॉर्म कहता है कि हम बस सरकारों को देते हैं तो ये और बड़ा कंसर्न है भारत सरकार के लिए और बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि सर्वेलेंस तो हुआ है ये तो हमें पता चल गया फॉर फ़ोन की फॉरेंसिक टेस्टिंग से तो एन कहता है कि हम सिर्फ सर सिर्फ सरकारों को देते हैं ये पिगैसा सॉफ्टवेयर तो इसका मतलब ये है या तो भारत सरकार ने किया है और अगर भारत सरकार ने किया है ये सर्विलेंस फ़ोन टैपिंग बिना प्रॉपर परमिशन के तो इट इज़ डेट ऑफ डेमोक्रेसी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार अपने पावर का इस्तेमाल करके ये पिगैसा सॉफ्टवेयर अपोजिशन लीडर्स और बाकी तमाम डिग्नेटरीज़ के ऊपर इस्तेमाल करके ये डेटा लीक का इशू है अनएथिकल एक्शन है इट कैन बी कॉल्ड एज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी यू आर मिस यूजिंग यूर पावर बींग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू कैन नॉट डू दैट तो या तो अगर भारत सरकार ने किया है तो इट इज़ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तो चिंता का विषय है और अगर भारत सरकार ने नहीं किया है तो और भी चिंता का विषय है क्योंकि देन इन दैट केस हो सकता है पाकिस्तान ने किया हो हो सकता है चाइना ने किया हो एंड इन दैट केस इट बिकम्स मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी तो दोनों ही मुद्दों में ये जांच करना तो ज़रूरी है कि आखिर ये पिगैसो सॉफ्टवेयर यूज किया किसने क्यों किया है भारत सरकार ने किया है नहीं तो किसी दूसरी सरकारों ने किया है क्योंकि एनएसओ कहता है कि हम बस सरकारों को देते हैं ये सॉफ्टवेयर और इसी से मिलता जुलता ये करंट न्यूज है जहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने तीन मेंबर्स की कमेटी बनाई है जिसको ये काम सौंपा गया है दैट दे विल नाउ कंडक्ट एग्जामिनेशन दे विल कंडक्ट नाउ इन्वेस्टिगेशन कि ये जो पिगैस सॉफ्टवेयर या पिगैस स्पाईवेयर का अनि इलीगल इस्तेमाल हुआ है ये किसने किया है कैसे किया है ये जो तीन मेंबर की कमेटी होगी ये तीन मेंबर होंगे डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी डीन ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस डॉक्टर प्रभाकरण पी प्रोफेसर फ्रॉम अमृता विश्व विद्यापीठम एंड डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमात से इज़ फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे ये तीनों के नाम याद रखना जरूरी नहीं है आपको ये याद रखना है कि ये तीन मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है दिस कमेटी विल बी सुपरवाइज्ड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर वी रविंद्रन अब ये जो तीन मेंबर की कमेटी बनाई गई इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब इनको क्या एग्जैक्टली काम सौंपा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इनको काम करने हैं दे हैव टू सी वेदर The Pegasus was used on phones or other devices of Indian citizens to access stored data. क्या सच में Pegasus का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है? Details of the victims, किनके किनके खिलाफ ये Pegasus software का इस्तेमाल हुआ है? What steps or actions were taken by the Union of India since 2019 regarding reports on hacking? भारत सरकार ने अभी तक इस तरह के hacking केसों को काम करने के लिए क्या किया है? वेदर पिगैस वॉज एक्वायर्ड बाई यूनियन ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल स्टेट एजेंसी क्या भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है क्या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ने इस्तेमाल किया है या भारत की किसी और एजेंसी ने या सिटीजन ने इसका इस्तेमाल किया है ये जाँच करना होगा इफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ यूज पिगैस और अंडर वाट रूल इट हैज़ बिन डन भारत सरकार की किसी भी एजेंसी ने अगर किया है, तो कौन से कानून के अंतर्गत किया है इफ़ एनी डोमेस्टिक इंटीटी और पर्सन हैज यूज दिस इज पाई वेयर ऑन इंडियन सिटीजन ऑन वाट ग्राउंड दिस हैज बीन यूजड या फिर एनी अदर मैटर दैट हैज सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू दिस पिगैसेस स्पाइवियर या सर्विलेंस वो सब चीज जांच करेगी ये टीम इस पिगैस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देखिए मुझे नहीं लगता डायरेक्टली आपसे मेंस में सवाल पूछा जाएगा लेकिन आपसे कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी पे अगर सवाल आ जाता है कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बढ़ रहे हैं साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं वहाँ पे आप पिगैस स्पाइवेयर अटैक ऑन मोर देन थ्री इंडिविजुअल्स इन इंडिया ये जरूर आप मैंशन कर सकते हैं इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज़ अटेप दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉरम दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉरम वो देखते हैं 2015 से ही रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन साहब ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉरम कंडक्ट कराते हैं ये फॉरम है जो रसिया कंडक्ट करता है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने स्टार्ट किया था और इसका मेन पर्पस है कि रसिया का जो फार ईस्ट वाला रीजन है रसिया का जो ये वाला रीजन है जिसको लोग फार ईस्ट रीजन कहते हैं यहाँ देखिए इस रीजन को लोग अपना फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया कहते हैं तो ये रीजन जनरली इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं तो इस रीजन को डेवलप करने के लिए रसिया ने 2015 से रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम स्टार्ट किया है एंड ये जो फोरम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हर साल कंडक्ट कराया जाता है 2015 से तो इस साल छठा फोरम कंडक्ट कराया गया 2021 में एंड दिस फोरम इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर इन व्लाडी वॉस्टॉक इज़ कैपिटल सिटी ऑफ दिस फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया और इस प्लेटफॉर्म की मदद से रसिया इन्वाइट uh, करता है अलग अलग कंट्रीज़ को फ्रॉम एशिया पैसिफ़िक रीजन ये हैं एशिया पैसिफ़िक कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया तो एशिया और एशिया इंडियन uh, और पैसिफ़िक ओशन के बीच के जितने भी कंट्री उनको एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ कहते हैं तो इन सारी कंट्रीज़ को इनवाइट करता है रसिया इन ऑर्डर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन टू रसियाज फार ईस्ट रीजन तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रसिया कंडक्ट कराता है अपने फार ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए एशिया पैसेफिक कंट्रीज को यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ईस्टर्न फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया अब इस फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया के बारे में थोड़ा और समझते हैं ये जो फार ईस्ट रीजन है रसिया का इट इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल नेचुरल गैस कोल एंड गोल्ड तो रिसोर्स रिच रीजन है और इनफैक्ट ये रसिया का सबसे बड़ा प्रोविंस भी है इट्स लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ रसिया लेकिन यहाँ के पॉपुलेशन बहुत कम है वेरी स्पारसली पॉपुलेटेड और इस कारण से इंडिया यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो इंडिया को बहुत फ़ायदे हो सकते हैं सबसे बड़ा फ़ायदा एनर्जी रिक्वायरमेंट का इंडिया इज एन एनर्जी डेफिसिट कंट्री और ये जो रीजन है वो एनर्जी रिच रीजन है तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इस एरिया से पूरी हो सकती है ऑयल नेचुरल गैस और कोल बहुत हद तक वो हमारी कॉम्प्लीमेंट की जा सकती है और इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चूँकि इस एरिया में पॉपुलेशन कम है तो अगर इंडियन बिजनेसेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडियन लोगों को भी यहाँ पे नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं सिंस यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन काफ़ी कम है तो ये दो चीज़ें हैं जो एडवांटेजियस हैं इफ़ इंडिया मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया अब करंट न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है 2015 में शुरू हुआ था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम तो इस साल 2021 में छठा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लाडी वॉस्टॉक जो फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया का कैपिटल सिटी है वहां पे कंडक्ट कराया जा रहा है और इसी दौरान फिर इंडिया और रसिया ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पे ही इंडिया और रसिया ने अनाउंस किया है कि दे विल स्टार्ट अ सी लिंक सी लिंक दैट विल बी कनेक्टिंग व्लाडी वॉस्टॉक विच इज कैपिटल सिटी ऑफ फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया विथ चेन्नई पोर्ट ऑफ इंडिया तो ये रहा हमारा चेन्नई पोर्ट और चेन्नई पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना से और ईस्ट चाइना सी से होते हुए सी और जापान से होते हुए यहाँ पे हम लोग व्लाडी वॉस्टॉक तक हम लोग एक सी लिंक कनेक्ट करेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा फार रीजन ऑफ रसिया में इन्वेस्ट करने का तो ईस्ट रीजन में एनर्जी काफ़ी एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए क्रिएट हो सकती हैं तो दैट विल बी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस चेन्नई व्लाडी वास्टॉक सी लिंक हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है दूसरा दूसरा फायदा समझिए ये चेन्नई और व्लाडी वास्टॉक लिंक की मदद से इंडिया नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ की एक्सेसिबिलिटी भी पा सकता है थ्रू आर्कटिक रीजन ये देखिए यहाँ से व्लाडी वास्टॉक और यहाँ से आर्कटिक रीजन होते हुए नॉर्थ और यूरोपियन कंट्रीज की भी एक्सेस मिल सकती है इंडिया को खासकर समर के टाइम में जब आर्टिक और और रीजन में आइस फ्रोजन नहीं होगा सो एज ए सेड इट ओपन अप पॉसिबिलिटी फॉर इंडिया टू कनेक्ट विद द नॉर्दर्न यूरोप यूजिंग आर्कटिक रूट इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस भी होगा चेन्नई एंड व्लाडी वॉस्टॉक लिंक का स्ट्रेटिक सिग्निफिकेंस ये होगा कि नाउ दिस विल काउंटर चाइनाज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी ऑफकोर्स चाइना जो यूनिलिटरली यहाँ पे अपना डोमिनस रेज करता है इस सी लिंक के बाद इंडियन शिप्स रसिया तक जाएंगे रसियन शिप्स इंडिया तक आएंगे तो चाइना के अग्रेशन को कुछ ना कुछ हद तक हम काउंटर करेंगे क्योंकि तो चाइना इस पूरे एरिया को अपने पर्सनल डोमेन की तरह दिखाता है एंड दिस सी लिंक कैन बी सीन एज रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया टू चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो ये हाल फिलहाल में चेन्नई व्लाडी वॉस्टॉक सी लिंक अनाउंस किया है इंडिया और रसिया ने ऑन सिक्स ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑफ रसिया इसके अलावा अगर आपको पता हो दो साल पहले फोर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में ऑलरेडी इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ वन बिलियन डॉलर इन फास्ट फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रसिया तो वन बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है जो हम फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रसिया में कर रहे हैं दैट वॉज ऑल्सो मेड अनाउंस दिस वॉज ऑल्सो अनाउंसड इन द फोर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन टू

और ये क्लाइमेट वलरेबिलिटी इंडेक्स पब्लिश किया है हमारे देश की इन्वायरमेंट से रिलेटेड थिंक टैंक जिसका नाम है काउंसिल ऑफ एनर्जी ने काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर ने एंड दिस क्लाइमेट वलरेबिलिटी इंडेक्स हैज़ हैजबिन पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम अब इसकी फाइंडिंग जरा देखते हैं क्लाइमेट वलरेबिलिटी इंडेक्स में क्या बातें सामने आई हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेट वलनेबिलिटी इंडेक्स आसाम अपार्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका बिहार आर द मोस्ट वलरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स सच एज़ फ्लड्स ड्रॉट्स एंड साइक्लोन्स तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर सवाल आ जाए ए पी में तो आपको क्लाइमेट वलनरेबिलिटी इंडेक्स का जिक्र जरूर करना चाहिए कि आसाम इज वन ऑफ द मोस्ट वलनरेबल स्टेट टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स एज पर द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट वलनरेबिलिटी इंडेक्स आसाम के अंदर भी धेमाजी या नगांव डिस्ट्रिक्ट इन आसाम अपार्ट फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्स आर अमार्क्स द इंडिया मोस्ट क्लाइमेट वलनरेबल डिस्ट्रिक्ट इस टॉपिक के बेसिस पे प्रम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटे दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट इट इज अबाउट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फॉर आर सिलसर फॉर इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए इस आर्टिकल में जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बातें की गई हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो हम अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपको पता भी होगा इन जनरल कि एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट एटीन परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी एंड इट इंगेजेज अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन तो लगभग पचास पर परसेंट लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं फॉर देयर लाइवलीहुड लेकिन जी डी पी में बस अट्ठारह परसेंट के आसपास इंडियन जी डी पी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है अगर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे फार्मर जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी के फार्मर मतलब वो फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग साइज़ दो हेक्टेयर से कम है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वही कहे जाते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग साइज़ दो हेक्टेयर से कम है और हमारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक फार्मर की लैंड होल्डिंग साइज़ है 1.8 पॉइंट हेक्टेयर्स तो अगर देखा जाए स्मॉल फार्म और लार्ज फार्म्स के बीच का अंतर तो देयर आर ओनली 12 परसेंट सेयर ऑफ एग्रीकल्चर एरिया फॉर स्मॉल फार्म्स तो जितना भी एग्रीकल्चर एरिया है हमारे देश का उसका बस 12 परसेंट ऐसा एरिया है जो स्मॉल फार्म को बिलोंग करता है लेकिन पूरे देश का लगभग 30 परसेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम स्मॉल फार्म्स तो सेयर ऑफ़ फूड प्रोडक्शन इज़ हाई जबकि शयर ऑफ ओवरऑल एरिया इज़ लेस पूरे देश का हमारा जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसका बस बारह परसेंट एरिया स्मॉल फार्मस को बिलोंग करता है और पूरे देश का जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसका पैंतीस परसेंट तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्माल फार्म से आता है और ये काफ़ी नेचुरल है अगर ध्यान से आप समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्यों क्योंकि जो छोटे छोटे फार्म होते हैं ना वहाँ पर लोग मेहनत हाथों से मेहनत करते हैं मतलब मेकनइजेशन लो है हाथों से जब मेहनत करेंगे मतलब मैनुअल लेबर ज़्यादा होगा तो हाथों की मदद से वो लोग आराम से पूरे एक एक एरिया का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं आराम आराम से बीज लगाते हैं एक एक जगह पे बीज लगाते हैं कोई भी एरिया छूटता नहीं है लेकिन वही अगर लार्ज एरिया हो लार्ज फार्म हो तो फिर हाथों से या मैनुअल लेबर हो नहीं सकता फिर वहाँ पे कैसा है बहुत बार ट्रैक्टर से सीडिंग की जाती है ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग की जाती है बहुत सारे जैसे बड़े जो देश होते हैं इंडिया में तो वैसे नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं सीड्स स्प्रेड करने के लिए तो नेचुरली लार्ज फार्म्स में प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे मैनुअल लेबर नहीं होता स्मॉल फार्म्स में मैनुअल लेबर ज़्यादा होता है तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड बढ़ जाती है सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्मॉल फार्म्स बस 12 परसेंट एरिया स्मॉल फार्म में आता है पैंतीस परसेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ रहा है एट मीनस तो स्मॉल फार्म जो है दे आर मोर प्रोडक्टिव कैपिटल इंटेंसिव नहीं है उसमें बहुत पैसा नहीं लगता है स्मॉल फार्म farm में फार्मिंग करने के लिए क्यों क्योंकि मैनुअल लेबर ज़्यादा है वहाँ पे ट्रैक्टर थ्रेसर्स ये सब चाहिए नहीं वहाँ पे मैनुअल लेबर से ही काम चल जाता है क्योंकि छोटा एरिया है ना तो इट इज़ नॉट कैपिटल इंटेंसिव बट इट इज़ लेबर इंटेंसिव यहाँ पे लेबर फोर्स ज़्यादा चाहिए होता तो यह इंडिया के लिए फायदे वाली बात हो गई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई पर यूनिट एरिया सो इसी कारण से हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त के भाषण के दौरान कि इंडिया नीड टू तो इंक्रीज़ द कलेक्टिव पावर ऑफ और स्मॉल फार्म्स एंड नीड टू तो मेक नेशनल प्राइड जब ऑलरेडी हमारे देश में स्मॉल फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है उसको हमें नेशनल प्राइड बनाने की ज़रूरत है मुद्दा यह है कि बहुत कम एरिया है जो स्मॉल फार्म में आता है लेकिन ज़्यादातर फार्मर्स स्मॉल एरिया फार्मिंग ही करते हैं कम कम फार्मर्स हैं लेकिन उनके पास जमीनें ज़्यादा हैं तो वो लार्ज एरिया फार्मर्स में आ जाते हैं उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड स्मॉल एरिया की प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल लेबर ज़्यादा होता है तो इस तरीके से देखिए मैकेनिकल लेबर होगा जब हाथों से खेती करेंगे तो नेचुरली एक एक एरिया में ध्यान से बीज लगाएंगे तो पर यूनिट लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लेकिन इस आर्टिकल में तो देखिए स्मॉल फार्मिंग को लेकर के बस अच्छी अच्छी बातें की गई हैं लेकिन स्मॉल फार्मिंग का कुछ नुकसान भी है स्मॉल फार्मिंग करने वाले परिवार ज्यादातर गरीब होते हैं क्यों क्योंकि छोटा सा लैंड है उसी में सब खेती कर रहे हैं पूरा परिवार तो बहुत ज़्यादा मार्केटिएबल सरप्लस हो नहीं पाता है बहुत ज्यादा अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जो उनकी फैमिली की जरूरत है उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं यानी कि मार्केट में बेचने लायक वो बहुत ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं और ऐसे फार्मिंग को कहा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग तो स्मॉल फार्मर्स ज़्यादातर सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं मतलब खुद उगाते हैं खुद खाते हैं दे डू नॉट हैव मार्केटिएबल सरप्लस एंड दे प्रोड्यूस ओनली इनफ फॉर सर्वाइवल ऑफ़ द फैमिली तो इस कारण से ये स्मॉल फार्मर्स गरीब ही रहते हैं जबकि जो लार्ज एरिया में फार्मिंग करते हैं वो कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मार्केटल सरप्लस होता है इस कारण से मार्केटेबल सरप्लस मतलब जितना खुद जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा उगा लेते हैं इसलिए जब उसको मार्केट में बेचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता है कमाई होती है उस कमाई की मदद से वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और नए नए तरह के कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं जिससे उनको और इनकम में फ़ायदा मिलता है अलग अलग तरह की चीज़ें जैसे मशरूम वगैरह उगाएंगे जिससे और कमाई हो पाती है हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं तो ये फ़ायदा है लार्ज फार्म का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड तो कम है लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा है प्रॉफिट ज़्यादा है इस कारण से ये फार्मर्स रिच होते हैं अब चूँकि हमारे देश में स्मॉल फार्मर ज़्यादा हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग ज़्यादा हैं मैनुअल एक्सरसाइज ज़्यादा होती है मैनुअल फार्मिंग ज़्यादा होती है इस कारण से हमारा देश धीरे धीरे एग्रीकल्चर के अलग अलग फील्ड्स में आगे निकलता जा रहा है हम आपको प एक बात तो पता ही है कि नाउ वी आर सेल्फ सफिशेंट एज फार आउ और फूड रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न दुनिया के ऑलमोस्ट हर चीज़ों में हर फूड क्रॉप्स में हम या तो पहले दूसरे आइटम तीसरे नंबर पर फॉर एग्जाम्पल यू सी मिल्क प्रोडक्शन में हम पहले नंबर पर राइस हो वीट हो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल उसमें हम दूसरे नंबर पर इसमें पहले नंबर पर चाइना कॉटन में और स्पाइसेस में हम पहले नंबर पे हैं सुगर केन में हम सेकंड नंबर पे हैं एग्स या फिशेज में हम तीसरे नंबर पर दिस डाटा हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हर साल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ता जा रहा है ये देखिए एक्सपोर्ट हमने किया बत्तीस बिलियन का फिर थर्टी सेवन बिलियन का तो हर साल हमारा जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर का ट्रेड सरप्लस है वो बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से इस साल हमने उन्नीस बिलियन डॉलर कमाया मानाया चालीस बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया खाली इक्कीस बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इट विल फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव पेंडेमिक रिसर्च डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एब्सोल्युटली करेक्ट गवर्नमेंट विल स्पेंड सिक्सटी फोर थाउजेंड करोड नॉट सिक्स पॉइंट फाइव लैक करोड़ ये फिगर देख करके आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ा है ये सही नहीं हो सकता सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए regarding foreign contribution regulation act any foreign contribution more than 25000 needs to be approved absolutely correct but it's not ministry of external affairs it's ministry of home affairs that is responsible for implementation of that so the correct answer will be again option a frankie the dinosaur recently seen in news is a computer generated image in a short film by undp correct answer will be option c and uh, holo gibbon the two uh, gibbons found in india are western and eastern holo gibbon and only eastern holo gibbon is found in assam no this is wrong western HelloQ1 is mostly found in assam so the correct answer is option a that's all from our side for today thanks for watching